मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्गेज्म जो है रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों होना चाहिए और इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, फिर टाइप्स जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फिर फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेस्टिटी प्रोपोगेशन। तो ये जो है ना, आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स और सम स्मॉल प्लांट्स में होते हैं, ठीक है ना। तो इनसे आप देख लो, यहाँ पे एग्जांपल के साथ भी होता है, जब भी हम मान लो ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 7 नंबर या 5 नंबर में आएगा, तो इसको हम अगर याद पढ़ने से कर लेते हैं तो ये हमारे वाइवा के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है और आपके नॉलेज तो रहती है। तो जैसे आपसे कोई कुछ पूछता है, अच्छा ये बताओ बाइनरी फिजन किसमें होता है, तो बाइनरी फिजन आपको झट से नाम लेना है किसमें, अमीबा में होता है सर, है ना। तो इसी तरह आपको याद रखना है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनके हम पढ़े हैं, जैसे आप फ्रेगमेंटेशन पूछ रहे हैं तो स्पायरो वगैरह आपको याद रखना है, बडिंग किसमें होता है, हाइड्रा होता है, हाइड्रा में होता है सर, है ना, कोरल है, ईस्ट है। ये मैंने स्लाइड, ये जो छोटी स्लाइड है इसकी पीस आपको आपको आपके ग्रुप पे भेजी हुई है, और से आप लोग देख लीजिए और इसको याद करके कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इसको आप देखेंगे जो, अब जो वहाँ पे हम लोग जो लास्ट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसमें दो तीन चीज़ें बतानी है मुझे, मुझे उसमें नहीं थी स्लाइड में, उसमें है। तो उसमें क्या है, डिफरेंट मेथड यूज टू डेवलप प्लांट विच बियर फ्रूट्स, फ्लावर्स आर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे आप यहाँ देखोगे तो जो हम है स्टेम कटिंग, अब देखो बहुत सारे प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग ट्रीज हैं, जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जिनको हम कट करके सॉइल में लगाते हैं और वहां से हम नए जो प्लांट है उनको पाया जाता है। तो उसमें जो एग्जांपल है स्टेम कटिंग जो है वो शुगर केन है, गन्ना जिसको आप बोलते हैं, पियर हो गया और चाइना रोज हो गया। तो ये 3 प्लांट ऐसे हैं जिनको हम लगा दें उनके स्टेम से काट करके, तो ये फिर से ग्रोथ हो जाती है इनमें, और ये स्टेम कटिंग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस है जिसमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पढ़ते हैं। फिर जो नेक्स्ट केस है वो है ग्राफ्टिंग। इन ग्राफ्टिंग द स्टेम और बड ऑफ बेस्ट क्वालिटी इज कम्बाइंड टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, एग्जाम्पल गुआवा, एप्पल एंड मैंगो। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो दो अमरूद के पौधे आपके पास हैं, सपोज दैट यू हैव टू गुआवा प्लांट्स एंड द बर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम द प्लांट एंड यू नो दैट द प्लांट इज वेरी गुड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, इट इज हैविंग अ वेरी गुड वेराइटी ऑफ फ्रूट। सो वॉट यू डू, द यू सेलेक्ट एनी बर्ड फ्रॉम द दैट ट्री एंड कट इट इन सच अ वे दैट इट विल बी एडजस्टेड इन अनदर प्लांट विद द हेल्प ऑफ नाइफ एंड यू पुट दैट ग्राफ्टेड और कटेड पोर्शन ऑफ द बर्ड इन टू द प्लांट सो दैट द न्यू बर्ड स्टार्ट ग्रोइंग एंड द प्लांट विच इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी गिविंग यू इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुआवा मे गिव यू अ बेटर एंड गुड वेराइटी ऑफ गुआवा, है ना। तो हमने इसमें कुछ कुछ करना नहीं है, आप भी खुद घर पे कर सकते हो। कि आपको लगता है कि आपके पास जो सॉरी जो गवा का प्लांट है उसमें क्या करना है आपको, उसकी बर्ड जो है जहाँ से नई लीव्स और ब्रांचेस निकलती हैं उसको बस सेलेक्ट करना है, उसकी अपर पोर्शन को कट करना है, और कट करके जो आप क्या करेंगे दूसरे प्लांट जहाँ पे आपको उसको ग्राफ्ट करना है, है ना, वहाँ पे लगाना है। तो क्या करेंगे आप, आई जो शेप होता है ना, आई अल्फाबेट आई, उस तरह का कट करके एक दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर आप बना देंगे वहाँ पे, और फिर उसको वहाँ फिक्स कर देंगे। जब हम लोग कॉलेज आपका जब खुलेगा स्कूल, तो हम लोग उसको प्रैक्टिकल के तौर पर देखेंगे करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसको समझ लें। और यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर होंगे और करके भी बताता है वहाँ पे ग्राफ्टिंग का, अब देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो लेयरिंग है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें आप देखेंगे इसमें करते क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इन दिस द लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंड एंड कवर्ड इन द सॉयल, वंस न्यू रूट स्टार्ट डेवलपिंग ऑन द ब्रांच इट इज कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड अलाउड टू ग्रो एज ए इंडिविजुअल प्लांट, एग्जाम्पल रोज एंड जैस्मिन। तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको आप क्या करेंगे, उनकी स्टेम को मिट्टी में दबा देंगे, डिग कर देंगे, ठीक है ना, मिट्टी में दबा देंगे,
थोड़े दिनों बाद क्या होगा, 8 से 10 दिनों के बाद उसकी स्टेम में से रूट्स निकल आएंगे, और जैसे ही ये हो जाएगा अब दोनों जो स्टेम जहाँ पे अपने डिक किए थे उन दोनों को काट देंगे, जिससे कि जो प्लांट है वो न्यू इंडिविजुअल हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उस प्लांट की जो पॉपुलेशन है उनमें इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी वैरायटी को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो इससे ये आपका बहुत बेनिफिशियल है कि जिससे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, या अब इसके बाद जो हमारा पोर्शन आएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, इसमें किसने एक एडिशनल दे दिया हुआ है टिश्यू कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट को है टॉपिक है। और टिश्यू कल्चर में आप देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आजकल जो जितने भी प्लांट्स हमारे पास मिल रहे हैं वो टिश्यू कल्चर के थ्रू ही हमको मिलते हैं, यानी कि हमारे पास जो सीड्स आते हैं, जब सैपलिंग्स आती हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी की होती है टिश्यू कल्चर करते क्या है। देखो हम क्या करते हैं, जो सेल्स होती हैं, जो ग्रोइंग सेल्स होती हैं, यानी टिप से जो शूट होता है आपका, शूट सिस्टम होता है प्लांट का, उसको प्लांट से अलग करते हैं और उसको एक ऐसे न्यूट्रिटिव मीडियम में हम डालते हैं और उसको ग्रोथ कराते हैं। न्यूट्रिटिव मीडियम समझ लो जैसे ऐसा मीडियम जिसमें कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स हों जो कि किसी प्लांट ग्रोथ करने के लिए चाहिए, हम उसको आर्टिफिशियली मेंटेन करते हैं लैब कंडीशन में और आइसोलेटेड सिस्टम में। जैसे गमला होता है ना, तो गमले से छोटा सिस्टम होता है जहाँ पे बहुत छोटे लेवल पे हम उसको ग्रो करते हैं। और फिर उसको हम जब ग्रो कर लेते हैं तो हमारे पास नया इंडिविजुअल तैयार होता है जो कि हमें गुड वैरायटी होती है और हमें प्रोडक्शन के लिए रेडी होता है। अगर आप एडवांटेजेस की बात करें तो अब एडवांटेजेस में आप देखेंगे, अब देखो न्यू प्लांट शोन हैज एक्सट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एज दोज ऑफ द पेरेंट सेल। तो जो इसमें हम टिश्यू कल्चर से जो प्लांट हम ग्रो करते हैं या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट ग्रो करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक एकदम बिल्कुल सेम होते हैं, और ये क्या है, ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, यानी कि आप टिश्यू कल्चर जो कर रहे हैं या आप स्टेम को कट करके उसको सॉइल में डिग कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में वो जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से होता है। लेकिन इसके साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि हम देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बड़ी खामी यही है कि वहाँ पे वेरिएशन की चांसेस जो होते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, तो अब देखो कहीं प्लांट जो है वो आप बहुत घने हो तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्लांट की साइज शेप और जो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट होगा वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी का होगा। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होंगे वो कम्पीट करेंगे फॉर द स्पेस, फॉर द फूड, फॉर द न्यूट्रिएंट्स, सो दैट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज नॉट एज दैट मच सर्टेन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्लांट शुड बी ग्रोन सेपरेटली एंड विद द स्पेस so that the production and their health is very good. Okay, so this is all about the asexual reproduction, and now we start the sexual reproduction. Okay, so you may have any query, then you can ask me.